जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराज। दोस्तों तो कैसे हो आप लोग, और दुआ करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज आपको बाइक दिख रहा है और दो अपने RSC है, और बीच में जो बाइक है मोस्ट पॉपुलर बाइक है, ये भी जो 155 cc में काउंट होती है, यामा की MT-15 है अभी। और दोस्तों आज का वीडियो आपको थंबनेल देके पता चल गया रहेगा कि किस रिलेटेड होने वाला है, तो सही समझा इसका और मैं RS का कंपैरिजन करने लो, मतलब दोनों का कंपैरिजन होता नहीं है, बट जो भी RS के पास जाना चाहते हैं या MT-15 में कंफ्यूज है कि हम लोग को 155 cc लेना चाहते हैं या मतलब 200 cc के पास जाना चाहते हैं, मतलब कौन सा आपको लेना है, मतलब इसमें स्पेसिफिकेशन में आपको पूरा बताऊंगा इसमें क्या कमी है या इसमें क्या बेनिफिट्स है आपको अगर इसके पास जाते हो, और RS आपको क्यों लेनी चाहिए आपको मैं पूरा डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ आज, तो वीडियो आखिर तक देखिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों पहले इसके स्पेसिफिकेशन शुरू करता हूं, आपको इसका पहला मतलब बता देता हूं कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो इसमें आपको 155 cc का इंजन मिल जाता है जो लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के साथ आता है, और इसमें आपको 13.5 Nm का टॉर्क मिल जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें आपको स्लीपर क्लच मिलता है जो इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है दोस्तों, और मुझे पर्सनली बहुत फेवरेट है स्लीपर क्लच, क्योंकि मैंने चलाई है स्लीपर क्लच और मुझे इतना मतलब फील है ना, मतलब यार इसके मुकाबले बहुत अच्छा फील होता है स्लीपर क्लच। आप कभी चला के देखिए, आपने चलाया रहेगा तो। और इसमें आपको एक मतलब डिसएडवांटेज है कि इसमें आपको सिंगल चैन ABS मिलता है, ड्यूल चैन ABS नहीं मिलता, तो मतलब जिसको मतलब ये अच्छा किसके लिए, जो मतलब स्टंट वगैरह ज़्यादा करते हैं उनके लिए मतलब अच्छा है कि पीछे का स्केटिंग बिटिंग ज़्यादा करते हैं उसके लिए। और सेकेंड थिंग, अपने बाइक में अपने को मतलब बोलते हैं ड्यूल चैन ABS मिलता है, और अभी CC की बात की जाए तो इसमें आपको 199 cc मिलता है, और इसमें आपको टॉर्क 18.7 Nm का मिलता है दोस्तों। आपको MT की एक खास बात बता दूं, इसमें आपको VVI टेक्नोलॉजी भी मिलता है, और ये कंपैरिजन मैं क्यों कर रहा हूँ आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि इसमें मतलब कंपैरिजन कुछ मतलब सेंसलेस है, मतलब बोलते हैं ना कि 200 cc और 155 cc कहाँ पे, बट मैं भी कंफ्यूज था लेते समय कि भाई ये दोनों में से कौन सा लूँ, और मतलब पैसा मतलब बोलते हैं ना दोनों इन्वेस्ट करें तो एक अच्छी जगह पे आपको लगता है कि इन्वेस्ट करें, और ये फेयरिंग बाइक है, नेकेड बाइक है, तो आपको मतलब डिफरेंस भी पता चल जाएगा और आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो आप जो ओनर है उनसे पूछ लेते हैं कि इनको मतलब ये बाइक में क्या क्या स्पेसिफिकेशन अच्छे लगते हैं, फिर अपन अपने RS के साथ भी इसको कंपेयर करेंगे कि कौन से इसमें अच्छे स्पेसिफिकेशन है। तो भाई आपको इसमें पहली बात तो स्पेसिफिकेशन कौन से अच्छे लगे? सबसे पहले तो मुझे इसके लुक्स अच्छे लगे। ओके, लुक्स अच्छे लगे। फ्रंट में जो इसका इंजन का रिलायबिलिटी है जो एकदम मतलब स्मूथ चलता है, हाई RPM पे भी मुझे कुछ वाइब्रेशन फील नहीं हुआ, एकदम स्मूथ गाड़ी है एकदम। और फ्रंट में इसमें जो VVI टेक्नोलॉजी है वो मेरे को फील होता है कि हाँ भाई मतलब पावर और बढ़ जाता है तो। और फ्रंट में स्लीपर क्लच इसमें बहुत बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को कॉर्नरिंग मारना अच्छा लगता है, तो मैं जब भी डाउन शिफ्ट करता हूँ तभी गाड़ी का जो टायर है वो लॉक नहीं होता, एकदम स्मूथली ये होती है। और फिर मतलब हाई स्पीड में स्पीड ब्रेकर अच्छे से पार कर सकते हो। 10 के स्पीड पे मैं फोर्थ गियर पे चलाता हूँ। ओके, तो दोस्तों आपको VVI टेक्नोलॉजी क्या आपको दिखा देते हैं। पहले अभी जो 7000 RPM के ऊपर चाहते हो आप देखो, उधर टेक्नोलॉजी एक्टिवेट हो जाती है। दोस्तों आपने देखा ये VVI टेक्नोलॉजी है, तो ये टेक्नोलॉजी जैसे कि 7000 RPM के ऊपर जाती है वैसे एक्टिवेट हो जाती है। इसमें मतलब जो बोला है कंपनी ने कि आपको मतलब पावर ज़्यादा मिलती है, और मतलब एयर का और फ्यूल का जो मिश्रण है मतलब वो अच्छा खासा हो कि आपको पावर और ज़्यादा मिलती है, ऐसा बोलते कंपनी बोलती है। अभी एक्चुअली में जो होता है भाई को ही पता रहेगा, क्योंकि मैंने अभी तक इसको इतना चलाया नहीं है। तो आपको ये इसके तो स्पेसिफिकेशन हो गए, और इसमें आपको डिजिटल मीटर मिलता है दोस्तों, जो कि आपको फुल्ली डिजिटल मीटर है दोस्तों, आप देख सकते हो फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है। और इवन अपने RS में देखो वही जो घिसा पिटा जूना पुराना कंसोल है जो मुझे अच्छा लगता है वो मिल जाता है। बहुत जन को पसंद नहीं है, मतलब बोलते ना कि मतलब प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत मतलब सस्ता वाला लगा के दिया है, और इसमें आपको फुल्ली टेक्नोलॉजी मिल जाती है। जैसे आप चालू करने के बाद आप देख सकते हो, आपको मतलब इधर गियर मीटर भी बता देते हैं मतलब कितने मतलब कौन से गियर पे, वो एक अच्छा स्पेसिफिकेशन लगा मुझे। तो इसमें ये डिजिटल मीटर में ये सब को देखो स्पेसिफिकेशन बहुत कुछ है, टाइम कंसोल वगैरह मतलब बहुत कुछ है इसमें। और इसमें भी जो स्टैंड वाला ऑप्शन है वो अभी मोस्ट ऑफ BS6 में सब में आ रहा है कि मतलब स्टैंड लगा रहता है तो गाड़ी चालू नहीं, इसमें भी है। इसमें मतलब स्पीडोमीटर में दिखाते नहीं है, बट इसमें इंजन चालू होता नहीं है बाइक। और दोस्तों अभी RS के पास आते हैं,
तो RS में आपको दोस्तों जैसे कि पता है 199cc का इंजन मिल जाता है, 199.5cc है, और जो टॉर्क है आपको वो 18.7 Nm का मिलता है दोस्तों। तो पावर मशीन तो है अपने RS, बट जो मतलब इसमें मतलब डिसएडवांटेजेस है आपको वो भी बता देता हूँ कि आप पैसा इतना खर्चा करते हो, आपको ये जो कंसोल है वो आपको फुल्ली डिजिटल नहीं मिलता, तो वो थोड़ा डिसएडवांटेजेस लगा मुझे। और सेकंड थिंग दोस्तों, इसमें आपको स्लीपर क्लच मिलता नहीं है, इवन आप बजाज के मतलब बोलते हैं ना डोमिनर भी लोगे ना, फिर भी स्लीपर क्लच आपको मिलेगा नहीं। वो तो खैर अपनी अपनी पसंद है, पर मुझे लगता है स्लीपर क्लच बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मैंने चलाया जब तो मुझे मतलब फील हुआ भाई स्लीपर क्लच रहता तो और थोड़ा मज़ा आ जाता बाइक में, पर ठीक है। और इसमें आपको एडवांटेज मिलता है कि इसको आप इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS मिल जाता है दोस्तों RS में। और अभी आप बाइक भी चला के देखेंगे, बट अभी बात करते हैं माइलेज की। तो 155cc में भाई कितना माइलेज देती है आपको सिटी में और हाईवे में? हाईवे पे तो मुझे अभी 47-50 दे रही थी। हाँ, इसका तो फर्स्ट सर्विस हो चुका है और मुझे सिटी में अभी 40-45 देती है। सिटी में 40-45 और हाईवे में 50? हाँ, 50 के ऊपर जाती है या 50 तक या 47 ऐसा कुछ? 50 के ऊपर मतलब जाती रहेगी, पर इतना एक्यूरेट नहीं पता मुझे। अच्छा, तो मतलब 47-50 पकड़ते अपन। ओके, तो मतलब इसका माइलेज बहुत ही अच्छा है, और लुक और मतलब बोलते हैं ना, अगर आप सोच रहे हो कि एक माइलेज बाइक लेने की आपका बजट में हो, क्या एट शोरूम प्राइस क्या इसकी? मुझे मैंने तो लोन पे ली, पर कैश में लोगे आप तो 180,000 की है, और मैंने लोन पे ली तो 210,000 तक गई। ओके, तो दोस्तों सेम प्राइस है अभी तो, मतलब बोलते हैं ना 155cc और 200 में अभी तो सेम प्राइस चल रहा है, मुझे भी 181 में गिरी है, और लोन पकड़ के आप 10 तक जाती है ये भी, तो अभी इसका प्राइस तो मतलब 183 चालू है कुछ, तो मतलब 3,000 ज़्यादा इसका, और इसका मतलब 180 है। तो देखो दोस्तों, प्राइस में तो कोई डिफरेंस लग रहा नहीं है मुझे, तो अगर आप सीसी देख रहे हो या स्पेसिफिकेशन देख रहे हो आपके ऊपर है, ये प्राइस दोनों का सेम है ना दोस्तों, इसलिए मैंने ये मतलब कंपैरिजन लाया हूँ दोस्तों। और आपको मतलब इसमें लाइट्स के बारे में बोलते हैं अभी, तो दोस्तों इसमें आपको देखो LED लाइट्स मिल जाता है, ऑन करो ज़रा, देखो दोस्तों, और इसका भी लाइट पावरफुल है, और बस इसमें आपको सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, और इसमें आपको ड्यूअल हेडलैम्प मिल जाता है, देखो बस उसमें LED है, और इसमें आपको देखो इसमें आपको अपने को ड्यूअल हेडलैम्प मिल जाता है दोस्तों, बस इसमें LED नहीं मिलता, बट इसका पावर है ना दोस्तों बहुत ही अच्छा है। तो लाइट्स में अपने RS जितती है, और इसमें आपको सिंगल मिलता है, इसकी पावर आप कम मत समझिए, इसकी पावर अच्छी खासी है, और LED है ऊपर से, और दोस्तों इसमें देखो आपको DRS यहाँ पे मिलती है, जो मतलब थोड़ा ना मतलब एक कुछ रोबोटिक फील आता है, और अपने में भी जो है ट्रांसफॉर्मर्स वाला लुक आता है, तो देखो इधर भी अपने ऊपर मिलते हैं DRLs। तो लुक के मामले में दोनों भी टफ है, कि आपको अभी आपके ऊपर है कि आपको लुक किसके अच्छे लग रहे, तो ये तो अपना पर्सनल ओपिनियन होता है कि आपको फेयरिंग में अच्छा लगता है, आपको नेकेड में अच्छा लगता है। तो अभी इसका सिटिंग पोस्चर दोस्तों, तो आप मैं बाइक चलाने वाला हूँ, तो उसकी वीडियो अभी दिखाता हूँ, क्लिप अभी डालने वाला हूँ मैं आगे। तो लॉन्ग राइड किया आपने अभी तक? अभी एक हफ्ते पहले मैं गांव गया था, टोटल किलोमीटर था 320 किलोमीटर। कौन सा गांव था आपका? नंदुरबार। तो मतलब कितना कंटिन्यू आपने बाइक कितना चलाया? कंटिन्यू 7 आवर्स। 7 आवर्स कंटिन्यू, मतलब ब्रेक नहीं लिया? ब्रेक लिया, 3 बार ब्रेक लिया, 3 बार नाश्ता और खाने के। ओके, मतलब बैक के लिए मतलब कुछ पेन हुआ रहेगा ऐसा, मतलब नहीं, कुछ बैक के लिए नहीं, पर हाँ घुटने जरूर दुख रहे थे मेरे, घुटने। और मतलब सीट है, हाँ। बम को कुछ प्रॉब्लम होता है मतलब, जो मतलब मुझे तो RS पे अभी तक फील नहीं हुआ, तो मतलब कुछ घिस जाते हैं यार पूरे। हाँ, इसमें वो प्रॉब्लम हुई मुझे, मतलब तो, सीट में थोड़ी हार्ड सीट है। हाँ, हार्ड सीट है। ओके, तो दोस्तों सीट उसकी थोड़ी हार्ड है एज कम्पेयर टू अपने RS देखो बहुत ही सॉफ्ट है, और ये देखो आपको फील होता रहेगा वीडियो में भी। तो RS पे मैं तो दोस्तों कंटिन्यू मतलब मैंने 4.5 घंटा राइड किया है कंटिन्यू, मतलब विदाउट ब्रेक, तो मुझे तो मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं, तो बस थोड़ा मतलब हैंड में पेन होता है तभी, मतलब एकदम 4 घंटा आप राइड करोगे तभी। बट दोस्तों इसकी पिलियन, तो पिलियन भाई कैसी है इसकी? पिलियन सीट तो सबकी घटिया ही रहती है, अपने RS की भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो आप मतलब पिलियन में मैक्सिमम 2 घंटा तो राइड कर सकते हो, 2 से 1.5 घंटा आप कंटिन्यू बैठ सकते हो, तो पिलियन वाले को तो प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो मतलब हर स्पोर्ट्स बाइक में वही प्रॉब्लम है दोस्तों। तो ये तो अभी सीट की बात इधर होती है। तो दोस्तों इसमें आपको एक डिसएडवांटेज क्या मिल जाते हैं कि इसमें जो आपको मतलब जो साइड लाइट वगैरह दिए इंडिकेटर्स, वो आपको LED नहीं मिलते, और अपने RS में आपको LED मिल जाते हैं।
तो ये थोड़ा मुझे भाई अभी इतना 1,80,000 ले रहे हो तो भाई इसमें LED देने चाहिए थे, और पीछे की भी मतलब वही सेम शॉट है इसका कि LED नहीं मिलते, तो वही थोड़ा बेकार लुक लगता है, थोड़ा मतलब चेंज कर सकते हो बाद में। और इसमें एक साउंड का दोस्तों, तो साउंड थोड़ा और बेटर हो सकता था, तो आप स्टॉक एग्जॉस्ट है वो निकाल के मतलब दूसरे भी मार्केट में जो आते वो भी लगा सकते, तो फायरिंग और अच्छी हो जाएगी। बस दोस्तों यही इसमें बस ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है इसमें, और CC और वो तो आप पता ही आपको प्राइस के हिसाब से और लुक के हिसाब से CC मतलब प्राइस के हिसाब से तो कम है थोड़ा, क्योंकि आपको इधर 1,85,000 में आपको 200 CC मिल रहा है और इधर आपको 1,80,000 में आपको 155 CC मिल रहा है। तो मतलब आपको टॉप एंड के लिए चाहिए तो आप RS की ओर जा सकते हो, पर आपको CC से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको स्पेसिफिकेशन से चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हो आराम से इजीली, और ये बहुत अच्छी बाइक है। ये थोड़ा बहुत हैवी है और ये आपको अराउंड 135 kg का मिल जाता है बाइक, और इसमें अपने तो शायद से 180 कुछ तो इसका kg वेट रहेगा, आई थिंक सो 180 के अराउंड ये कुछ तो इसका, तो देखो डिफरेंस भी है। और अगर आप स्टंट के लिए बाइक लेना चाहते हो ना दोस्तों, तो MT बेस्ट है, क्योंकि इसके इसके ऊपर व्हीली इजीली उठ जाती है, RS के ऊपर भी उठ जाती है, बट ये थोड़ी हैवी है, इसको संभालना थोड़ा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू MT के। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो गए तो देखो आपके ऊपर है कि कौन सा लेना है। तो अगर आप पावर चाहते हो ज़्यादा तो आप RS के पास जा सकते हो, और अगर स्पेसिफिकेशन आपको चाहिए ज़्यादा कि आपको मतलब स्लीपर क्लच मिले, ABS, तो मतलब फिलहाल तो मतलब सिंगल चैनल ABS है, मतलब कोई बुरा भी नहीं है, इसका ABS अच्छा खासा वर्क करता है, और मतलब बोलते हैं ना आपको थोड़ा लुक नेकेड चाहिए तो आप इसके बाद जा सकते हो, और अगर आपको हैवी ज़रा लुक के लिए चाहिए तो आप इसके पास भी जा सकते हो। और दोस्तों इसमें आपको और एक टेक्नोलॉजी मिलती है, VWAY टेक्नोलॉजी, तो मतलब इसमें स्पेसिफिकेशन भरे पड़े बहुत सारे, और यमा की बाइक है तो फायरिंग भी सुन लेते हैं एक बार, फायरिंग सुना भाई ज़रा। अभी इसका फायरिंग भी सुन लेते हैं अपन, तो देखो अभी हैवी साउंड है, मतलब ये तो मतलब यमा और बजाज में तो फायरिंग के मामले में हमेशा बैटल होती है, बिकॉज ऑफ बजाज थोड़ा फायरिंग हैवी देता है, यमा थोड़ा सॉफ्ट रखता है, और ये BS3 है उसका भी आपको सुना देता हूँ। तो ये दोस्तों BS3 का साउंड है, तो ये तो मैंने बस आपके मनोरंजन के लिए सुना आपको, क्योंकि RS लवर बहुत है यहाँ पे। तो देखो दोस्तों आपका कन्फ्यूजन में समझता हूँ कि दूर हुआ रहेगा कि आपको मतलब किस तरफ जाना चाहिए, और आपको एक बात क्लियर कर दूँ, टूरिंग के लिए आप इन दोनों में से कोई भी बाइक ले सकते हो, बिकॉज मेरे ऊपर भी मैं चलाता हूँ, टूरिंग करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, और ये तो भाई नेकेड है, इसका सीटिंग पोस्चर भी अच्छा है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो टूरिंग के लिए आप कंफ्यूज हो कि कौन सा ले, तो दोनों भी ले सकते हो, हल्का वेट भी इसका है और इसमें थोड़ा हैवी वेट मिलता है बस, और मतलब दोनों भी बाइक बहुत अच्छी है, तो अपन राइड करके देख। पिकअप तो दोस्तों बहुत ही सही है इसका, ओहो आप सीटिंग पोजीशन देख सकते हो, तो मेरे हैंड भी बहुत अच्छे खासे हैं, तो अच्छा है, और हाइट भी दोस्तों मतलब इजीली मेरे पैर टच हो रहे हैं आप देख सकते हो, तो 5 feet हाइट बस होगी मेरे ख्याल से। तो दोस्तों देखो इसमें अभी कोई कमी तो लगी नहीं मुझे कि पावर के हिसाब से मतलब अच्छा खासा ही पिकअप तो बहुत अच्छा है इसका, पिकअप के मामले में आपको कोई इसमें मतलब बोलते हैं ना कोई क्वेरीज नहीं रहेगी, कोई आपको मतलब प्रॉब्लम आएगा नहीं पिकअप के मामले में। और भाई टॉप स्पीड कितना ओपन किया आपने? 128। तो भाई ने 128 ओपन किया टॉप स्पीड पर, वो डबल सीट था ना जैसे? हाँ डबल सीट, डबल सीट था, तो उसके वजह से 128 मतलब बहुत अच्छी हो गई 155 CC से। तो सिंगल सीट पे मेरे ख्याल से दोस्तों 130-134 तो आराम से चली जाएगी, 135 मेरे ख्याल से आराम से चली जाएगी सिंगल सीट में, और मैंने भी चलाई दोस्तों, विली है ना दोस्तों एकदम इजीली उठ रही थी, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, विली तो एकदम इजीली उठ जाती है। तो आप स्टंटिंग के लिए सोच रहे हो तो बिंदास ले सकते हो, बस इसमें आप एक ही है कि टायर देखो बहुत फट से स्लिप हो जाता है, जैसे देखो आपको दिखता रहेगा ये स्लिप हो गया टायर, मतलब मेरे उधर से स्लिप हो गया, क्योंकि मुझे ABS की आदत है, तो वही थोड़ा ड्यूअल चैनल ABS है तो मज़ा आ जाता, और अपने को RS से भी मतलब माइलेज सिटी में तो अपने को 35, 36 और 38 उससे ज़्यादा ऊपर नहीं मिलता, और सिटी अपने को मतलब बोलते ना हाईवे में तो इजीली आपको 45 मिल जाता है RS में। तो प्राइस भी आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दी, ये 1.8 showroom 1.80 है, और इसका मतलब 1.85 चल रहा है अभी शायद से,
तो मैंने जब ली तो 1.83 था। ये दोस्तों आज के वीडियो में आप भी बताओ कि आपके इधर प्राइस क्या चल रहा है यमा एमटी का और आरएस का, और आपका दोनों में से कलर कौन सा अच्छा लगा BS6 में, और ये कलर एमटी में आपको कौन से कलर अच्छे लगते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताए। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे मैं जल्दी R15 का भी कंपेरिजन लाने वाला हूँ, तो कन्फ्यूजन रहेगा आपके दिमाग में तो भी निकल जाएगा। और उन लोग वीडियो देखते हैं, नॉट सब्सक्राइब वाले वीडियो देखो कितने देख रहे हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ यार चैनल में जुड़ जाइए, फैमिली में ऐड हुई, आप सपोर्ट कीजिए मुझे, तो और आगे अच्छे से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो यही आज के वीडियो में था। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराज दोस्तों।